चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों इससे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप दोस्तों? आज आपके लिए मैं एक और प्रेरणादायक स्टोरी लाया हूं कि अपने जीवन के अंदर एक सच्चा मित्र कैसे रखें, वो भी बिना स्वार्थ के। ये कहानी वही दर्शाती है। दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है मोती का मित्र। मोती तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जाते समय अपने साथ दो रोटी लेके जाता था। रास्ते में मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी। वह दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था। मोती कभी भी गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलता था। कभी कभी स्कूल के लिए देर भी होती तब भी वह बिना रोटी खिलाए नहीं जाता। स्कूल में लेट होने के कारण मैडम डांट भी लगाती थी। वह गाय इतनी प्यारी थी, मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती। मोती भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, मोती बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया, मोती से सामान छीनने लगे। गाय ने मोती को संकट में देखकर उसको बचाने के लिए दौड़ी। गाय को अपनी ओर आता देख सभी लड़के 9-2-11 हो गए। मोती ने गाय को गले लगा लिया। बचाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों लाइफ में हमेशा वो दोस्त पालो जो बिना स्वार्थ के हों। कहानी की सीख ये सिखाती है। दोस्तों आज की कहानी की सीख है, गहरी मित्रता सदैव सुखदायी होती है। निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए और संकट में मित्र ही काम आता है। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों इससे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ।